नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता। इस बुलेटिन में आज बात होगी असम और बंगाल में हुए दूसरे चरण के मतदान की। बताएंगे कि नेताओं की बदजुबानी पर क्या है चुनाव आयोग का फैसला। जानेंगे केंद्र सरकार ने क्यों लिया अपने फैसले से यूटर्न। किसानों के आंदोलन में क्या रहा दिन भर का हाल। और बुलेटिन के आखिर में बात केंद्र सरकार के दावों की खुलती पोल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विपक्ष को एकजुट करने की ममता की मुहिम को कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का दावा, कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने की लगातार कर रही है कोशिश। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता जरूरी। एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, पीएम मोदी के सवाल का टीएमसी ने दिया जवाब। पीएम ने चुनावी रैली में कहा था ममता दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की कर रही है तैयारी। टीएमसी का दावा, नंदीग्राम सीट से जीत रही है ममता, दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। शिवसेना ने सांसद अरविंद सावंत को दी बड़ी जिम्मेदारी, संजय राउत के साथ सावंत को भी बनाया पार्टी ने मुख्य प्रवक्ता। लोकसभा सांसद है अरविंद सावंत। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 520 अंकों की बढ़त के साथ 50,029 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 176 अंकों की बढ़त के साथ 14,867 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लोगों का तांता लगा हुआ था। लोग बढ़ चढ़ कर अपने घरों से निकलकर मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। इस बीच मतदान में गड़बड़ी की शिकायतें भी आती रही। बीजेपी और टीएमसी की ओर से मतदान को प्रभावित करने की बात उठाई गई, तो कहां कितना हुआ मतदान, देखें ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 39 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो गई है। दोनों ही राज्यों में इस बार भी जमकर वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में 84% और असम में 79% मतदान की खबर है। दोनों ही राज्यों में कहीं से कोई बड़ी घटना की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच कई स्थानों पर अप्रिय स्थिति बनती दिखी, लेकिन प्रशासन की तेजी के चलते हालात शांतिपूर्ण रहे। आज जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें सबसे ज्यादा नजरेटी की थी पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर, जहां टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं। नंदीग्राम में 85% के करीब वोटिंग हुई है। ममता बनर्जी ने यहां केंद्रीय बलों और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो टीएमसी समर्थकों को वोट देने से रोक रहे हैं, लेकिन साथ ही ममता ने ये भी दावा कर दिया जो वोट डाले गए हैं उनमें से उन्हें 90% वोट मिलेंगे। ममता ने मतदान वाले दिन पीएम के प्रचार पर भी सवाल उठाए। ममता ने पोलिंग बूथ से ही राज्यपाल को फोन कर स्थिति का संज्ञान लेने को कहा। दूसरी ओर बीजेपी ने इसे ममता की हार करार दिया है। पीएम ने तो बंगाल की एक चुनावी रैली में यहां तक दावा कर दिया कि नंदीग्राम से ममता चुनाव हार रही हैं और बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ईवीएम में खराबी को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। मोइत्रा ने कहा कि आज 150 ईवीएम में गड़बड़ी का मामला आया है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। आज जिन सीटों पर मतदान हुआ उसमें से असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर 171 उम्मीदवार मैदान में थे। 2016 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2016 में पश्चिम बंगाल की इन 30 सीटों में से टीएमसी को 22, लेफ्ट को 4, कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 1 सीट मिली थी, जबकि असम की 39 सीटों में से बीजेपी को 22, कांग्रेस को 6, बीपीएफ को 4, एजेपी को 2 और एआईयूडीएफ को 5 सीटों पर जीत मिली थी। विधानसभा चुनावों को लेकर हर दल ये दावा कर रहा है कि जीत उसी की होगी। सभी जनता के बीच जाकर अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की नजर उन नेताओं पर भी है जिनके बयान माहौल को बिगाड़ सकते हैं। आयोग की कार्रवाई का शिकार डीएमके को खोना पड़ा है, तो बीजेपी नेता को भी नोटिस भेजा गया है। तो किस पर हुई कार्रवाई और किस पर है कार्रवाई की तैयारी, देखिए रिपोर्ट। कोई जनता के बीच जाकर लुभावने वादे कर रहा है तो कहीं विरोधियों के लिए निजी टिप्पणियां की जा रही हैं। ये टिप्पणियां कई बार मर्यादाओं के पार चली जाती हैं, जिससे विरोधियों से ज्यादा नुकसान खुद अपने ही दल को हो जाता है। भाषाई मर्यादा को लांघने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग की भी नजर है और चुनाव आयोग के निशाने पर आ गए हैं टीएमके नेता ए राजा। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को 234 सीटों के लिए मतदान होना है और मुकाबला डीएमके और सत्ताधारी एआईएडीएमके के बीच माना जा रहा है। प्रचार तेज है और इसी बीच डीएमके नेता ए राजा राज्य के सीएम और एआईएडीएमके नेता पलानी स्वामी पर निजी टिप्पणी कर गए।
मामला हाथ से निकलने के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन चुनाव आयोग ने ए राजा की टिप्पणी को आचार संहिता का उल्लंघन माना है। इसके साथ ही ए राजा का नाम डीएमके के स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया है। उनके प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगा दी है। तो वहीं दूसरी ओर असम में चुनाव आयोग की कार्रवाई से बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने असम सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व सरमा को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस असम में कांग्रेस की सहयोगी दल बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ के नेता हगरामा मोहिलरी के खिलाफ टिप्पणियां करने के आरोप में जारी किया गया है। साथ ही बीजेपी नेता को 2 अप्रैल को शाम 5 बजे तक नोटिस पर जवाब देने के लिए भी कहा है। अब इन सब के बाद राजनेताओं को भी हिदायत मिल रही है कि चुनावी माहौल में किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि अब राजनेता अपनी आगे की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में उनकी तैयारी और बयानबाजी का जनता पर क्या असर पड़ता है, ये तो 2 मई को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। चुनावी राज्यों में चुनाव आयोग की सक्रियता दिखाई दे रही है। राजनीतिक दलों की मांग है कि आयोग की यह सक्रियता निष्पक्ष हो। इसकी मांग बीजेपी विरोधी राजनीतिक दल कर रहे हैं। आयोग को सावधानी से फैसले लेने होंगे, लेकिन लगता है कि केंद्र सरकार फैसले लेने में सावधानी नहीं बरत रही है। तभी तो रात को फैसला होता है और सुबह उसे बदलना पड़ता है। अब सरकार की ओर से सफाई आ रही है, तो क्या है मामला और क्यों सरकार को देना पड़ रही है सफाई, देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में हर दल का नेता जनता के बीच जाकर उन्हें लुभाने में लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार इन दिनों अपने फैसले के चलते लगातार घिरती जा रही है और इसका असर चुनावी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने अब अपने ही फैसले से 24 घंटे के अंदर यू टर्न ले लिया है। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती करने का फैसला लिया था, लेकिन अब सरकार अपने रुख से पलट गई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर 24 घंटे के भीतर ही ब्याज दर घटाने का फैसला वापस ले लिया। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि गलती से ब्याज दर घटाने का आदेश जारी हो गया था। सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो पिछले साल मार्च तिमाही में थी। लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेगी। बचत खाते में जमा रकम पर सालाना 4% ब्याज मिलता रहेगा। वित्त मंत्री की इस गलती के बाद से ही सरकार विपक्ष के निशाने पर है, जिसके चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए ट्वीट करके लिखा कि सरकार ने पेट्रोल डीजल को महंगा करके पहले ही जनता की परेशानी बढ़ा रखी थी और अब चुनाव होने के बाद मध्य वर्ग की बचत पर फिर से ब्याज कम करके उन्हें परेशान करने की योजना तैयार कर ली गई है। अब सरकार का अपने ही फैसले से यू टर्न लेना चुनावी मकसद के तहत भी हो सकता है। हालांकि जनता को इन सब से थोड़ी राहत की सांस जरूर मिली है। चुनाव के समय इस तरह के फैसले से बड़ा नुकसान हो सकता है और विपक्ष अनुमान लगा रहा है कि अभी सरकार ने जो फैसला वापस लिया है ये 2 मई को लागू हो जाएगा, लेकिन कृषि कानून पर फैसला कब होगा ये पता नहीं। सरकार ने कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा रखी है। किसान चाहते हैं फैसला ऐसा हो जो उनके हक में हो। किसान नए कृषि कानून को रद्द कराना चाहते हैं। इसी क्रम में अब किसानों ने एक नया प्लान बना लिया है। तो क्या है किसानों का नया प्लान, आइए देखते हैं इस खबर में। पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े 3 कानून लागू किए थे। इन्हीं 3 कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान और सरकार के बीच 11 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे और MSP पर गारंटी का कानून लेकर आए, लेकिन सरकार का कहना है कि वो कानूनों को वापस नहीं ले सकती। अगर किसान चाहते हैं तो उनके हिसाब से इसका संशोधन किए जा सकते हैं। किसान अपनी मांगे मनवाए बगैर घर वापस जाने को तैयार नहीं, बल्कि लगातार नई नई योजनाएं बना रहे हैं। अब अपनी योजनाओं के तहत किसान संसद की तरफ भी कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि संसद में किसान कब प्रदर्शन करेंगे इसकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन किसानों का कहना है कि मई के पहले पखवाड़े में संसद की तरफ कूच किया जाएगा। मतलब साफ है कि किसान अब सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक संसद कूच के दौरान उनके साथ महिलाएं, बेरोजगार युवा सहित समाज का हर तबका शामिल होगा। ये कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। जिस दिन संसद पर प्रदर्शन किया जाएगा उस दिन किसान अपने गांव शहरों से दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचेंगे। इसके बाद दिल्ली की कई सीमाओं तक पैदल मार्च किया जाएगा। ये सब मई के पहले पखवाड़े यानी 15 मई से पहले होगा। इसके अलावा किसान 5 अप्रैल को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI बचाव दिवस मनाए। इस दौरान देश भर के FCI दफ्तरों का घेराव होगा। 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए कुंडली मानेसर पलवल को ब्लॉक किया जाएगा।
13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार दिल्ली की सीमाओं पर ही मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। 1 मई को दिल्ली के बॉर्डर पर ही मजदूर दिवस मनाएंगे और इस दिन सभी कार्यक्रम मजदूर किसान एकता को समर्पित होंगे। किसान आंदोलन को जारी रखने के लिए जिस तरह पूरे जोर शोर के साथ अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उससे साफ है कि किसान किसी भी हाल में बातें मनवाए बगैर घर वापस नहीं जाएंगे। अब सरकार को देखना होगा कि वो किसानों की समस्या का समाधान कब करती है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान रोज नई नई रणनीति बना रहे हैं। रणनीतियां सरकार भी बना रही हैं, लेकिन किसानों को लेकर नहीं बल्कि चुनावों को लेकर। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। 6 अप्रैल को तमिलनाडु में मतदान है, ऐसे में क्या सरकार का ये फैसला मतदाताओं पर डालेगा असर, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। वो साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाने के साथ साथ दूसरे दलों के महापुरुषों को भी अपना बनाने से गुरेज नहीं करती है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके महापुरुषों के जरिए चुनाव पर निशाना लगाती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भारत रत्न के बहाने बंगाल से लेकर असम की जनता को साधा था और अब वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के सहारे तमिलनाडु पर निशाना लगाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि वो चुनाव के बीच में रजनीकांत को ले आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान किया। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें खुशी है कि देश के सभी भागों से फिल्मकार, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, संगीतकार सभी लोगों को समय समय पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। आज इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड महान नायक रजनीकांत को घोषित करते हुए हमें बहुत खुशी है। रजनीकांत बीते 5 दशक से सिनेमा की दुनिया पर राज कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार दादा साहेब फाल्के की जूरी ने रजनीकांत को ये अवार्ड देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस साल ये सिलेक्शन जूरी ने किया है। इस जूरी में आशा भोंसले, मोहनलाल, विश्वजीत चटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष गई, इन 5 सदस्यों ने बैठक करके एक राय से महानायक रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की। अब भले ही जावड़ेकर रजनीकांत को पुरस्कार देने की बात जूरी पर डाल रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय में ये अवार्ड साफ तौर पर बीजेपी की रणनीति की ओर इशारा करता है। दरअसल पिछले दिनों ही रजनीकांत ने अपनी सियासी पारी शुरू करने का ऐलान किया था। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से बात भी की थी। हालांकि बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने राजनीति में आने की अपनी योजना टाल दी थी। रजनीकांत के प्रशंसकों की एसोसिएशन रजनी मक्कल मंडराम की तमिलनाडु में 65,000 इकाइयां हैं। इन इकाइयों को रजनीकांत राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने वाले थे, लेकिन एन चुनाव से पहले उन्होंने राजनीति में एंट्री को टाल दिया। अब तमिलनाडु की सियासत कर रही कई पार्टियों को रजनीकांत के समर्थन की उम्मीद है। बीजेपी भी सूबे की जनता को साधने के लिए थलाइवा की ओर टकटकी लगाए बैठी है, लेकिन जब सीधे तौर पर उन्होंने एंट्री नहीं की तो अब मोदी सरकार ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड के दम पर चुनाव में दम भरने की कोशिश की है। बीजेपी तमिलनाडु चुनाव जीतने के लिए हर जतन कर रही है, लेकिन जहां उसकी सरकार है वहां ध्यान नहीं दे रही है और इसलिए कर्नाटक की बीजेपी सरकार मुश्किल में फंसती दिख रही है। येदियुरप्पा से बीजेपी के विधायक और मंत्री इतने नाराज दिख रहे हैं कि पहले तो उन्होंने पार्टी आलाकमान से शिकायत की और जब बात नहीं बनी तो अब राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है। तो क्यों मंत्री अपनी ही सरकार की कर रहे हैं शिकायत, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में सियासी शहमात का खेल जारी है। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के कुछ विधायकों के पलटी मारने के बाद तख्ता पलट कर बीजेपी सत्ता में आ गई। ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने विधायकों को अपने पाले में किया और येदियुरप्पा ने शपथ ली। लेकिन जब से येदियुरप्पा ने राज्य की कमान संभाली तब से ही बीजेपी सरकार अंदरूनी खींचतान में फंसी हुई है। येदियुरप्पा को कुर्सी पर बैठे 20 महीने भी नहीं हुए हैं और अब कर्नाटक सरकार की स्थिरता को लेकर संदेह पैदा होने लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम येदियुरप्पा को ऑपरेशन लोटस मामले में झटका लगने के बाद विधायकों और मंत्रियों की बगावत ने मुश्किल को बढ़ा दिया है। कभी भ्रष्टाचार के आरोप, कभी सीडी कांड के चलते कर्नाटक सरकार की फजीहत हो रही है। हालात तो इस हद तक सरकार के भीतर खराब होते जा रहे हैं कि बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री तक को हटाने की बात कह रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही बीजेपी के विधायक येदियुरप्पा से नाराज हैं। हालांकि इसके बाद बीजेपी के आधा दर्जन विधायकों ने दिल्ली आकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। उस समय तो उन्हें बीजेपी आलाकमान ने समझाकर वापस भेज दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से सीएम के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने लगे हैं।
कुछ दिन पहले बीजेपी के कुछ विधायकों ने ये तक कह दिया कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को बदलने के बाद अब अगला नंबर कर्नाटक के मुख्यमंत्री का है। वहीं अब मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के खिलाफ कर्नाटक सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने बगावती बिगुल फूंक दिया है। ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री येदुरप्पा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो उनके विभाग के कामकाज में दखल देते हैं। इसे लेकर मंत्री ने राज्यपाल और बीजेपी नेतृत्व से शिकायत भी की है। राज्यपाल वजूभाई वाला को लिखे पत्र में ईश्वरप्पा ने येदुरप्पा पर कर्नाटक व्यापार का लेन देन नियम 1977 का उल्लंघन करते हुए अपने मंत्रालय में सीधे हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनके विभाग से बिना अनुमति लिए 774 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में एक जिले के लिए उनके विभाग से 65 करोड़ रुपए आवंटित किए और इस दौरान उन्होंने बाकी जिलों को नजरअंदाज किया। मंत्री ने कहा कि दुख की बात यह है कि सीएम ने जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज करते हुए ये आदेश जारी किए। अगर ऐसा जारी रहा तो न जाने वे मंत्री के तौर पर काम कर भी पाएंगे या नहीं। मंत्री ईश्वरप्पा ने अपने पत्र की एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा को भी भेजी है। एक मंत्री के मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने के बाद विपक्ष भी येदुरप्पा को घेरता नजर आया। और बुलेटिन के आखिर में बात केंद्र सरकार के दावों की खुलती पोल की। मोदी सरकार देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है। देश में बेटियों को आगे बढ़ाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ने सरकार के इन सभी दावों की पोल खोल के रख दी है। तो क्या कहती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, आइए देखते हैं इस खबर में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ने भारत सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। 2021 के वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट में 156 देशों की सूची में भारत को 140वां स्थान मिला है। भारत दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर है। भारत इस मामले में अब अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार से भी पीछे है। विश्व आर्थिक मंच की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसके बाद केवल मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका हैं। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो इस रिपोर्ट में बांग्लादेश 65वें, नेपाल 106वें, पाकिस्तान 153वें, अफगानिस्तान 156वें, भूटान 130वें और श्रीलंका 116वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी भारत से नीचे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आर्थिक भागीदारी और अवसर के क्षेत्र में भी गिरावट आई है। इस क्षेत्र में लैंगिक भेद अनुपात 3% से बढ़कर 32.6% तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर 24.8% से गिरकर 22.3% हो गई है। इसके साथ ही पेशेवर और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका घटकर 29.2% हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गिरावट राजनीतिक सशक्तिकरण सब इंडेक्स में देखने को मिल रही है। इसमें महिला मंत्रियों की संख्या में फिर से 13.5% की कमी आई है। साल 2019 में ये 23.1% हुआ करती थी, तो वहीं अब ये घटकर 9.1% रह गई है। आपको बता दें कि WEF सार्वजनिक और निजी सेक्टर्स के बीच विचारों के आदान प्रदान का काम करता है। ये दुनिया का ध्यान सभी तरह के वैश्विक मुद्दों की तरफ आकर्षित करता है। इसके साथ ही फोरम समाज के सभी वर्गों की बात को इस सोच के साथ उठाता है कि भविष्य में इसका समुचित समाधान निकाल सके। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB Live। नमस्कार।